एक ऐसे गुलाम की जिसमें रोमन इटली पर राज करने वाले रोमन आधिपत्य को जड़ से गिरा दिया। स्पार्टाकस एक कुशल लड़ाकू करवाया था जिसे रोमन सेना ने पतन को इटली के बाहरी इलाकों से कई और फ्रांसीसी लड़ाकों के साथ गिरफ्तार करके रोम की कंदी गहरी गलियों में कई और गुलामों के साथ सड़ने के लिए छोड़ दिया। प्रस्तुत है स्पार्टाकस।
के हिसाब से भी एक घोड़े की कीमत 5 गुलामों से कहीं ज्यादा है। वो तो है, एक अच्छे नस्ली घोड़े को पाने के लिए कम से कम 5 गुलाम तो चाहिए चाहिए। हाँ, घोड़ों की खुद की कोई रियासत तो होती नहीं जिसे फतेह कर तुम लाख डेढ़ लाख गुलाम कर सको। क्यों, आज गुलामों के अलावा कोई बातें नहीं कर सकते? गुलाम बहुत जरूरी चीज है, रोम की बुनियाद इन्हीं गुलामों पर टिकी है। मुझे नहीं लगता कि रोम की बुनियाद इन गुलामों पर टिकी हुई है। हम लोग रोमन हैं, इतना तो मानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर रोम ने ही गुलामों के इस्तेमाल को सबसे पहले समझा। पर गुलाम तो रोम से बहुत देर पहले के है ना? हाँ, गुलाम रोम से बहुत देर पहले के है। कुछ यहाँ थे कुछ वहां थे, पर हमारे रोम में खेती करते हैं गुलाम, जूते बनाते हैं गुलाम, बर्तन साफ करते हैं गुलाम, गुलाम गुलाम गुलाम। हाँ, पहले किसी देश में कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पर हमें समझना होगा। हमें समझने की क्या जरूरत है? अगर ना समझे तो गुलाम हमें बर्बाद कर देंगे। आप तो भी कापोस से आ रहे हो ना? क्यों देखा नहीं हमने एंट्री सड़क के दोनों तरफ किस तरह से गुलामों को मारकर सरिया पर रखा है? ये कोई सबूत नहीं। और क्या सबूत होगा? स्पार्टकस के खत्म हो जाने से ये बात साफ जाहिर होती है कि रोम को गुलाम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। और स्पार्टकस पैदा तो उसको रोम के हालातों में नहीं किया था ना? स्पार्टकस एक गंदे नाले का गंदा चीड़ा था जो गंदे नाले में ही बह गया। और रोम की बुनियाद भी इसी गंदे नाले पर टिकी है। और जिस दिन इस गंदे नाले में बाढ़ आ गई तो अपने साथ साथ पूरा रोम बहा लेंगे। पर इस गंदे नाले में बाढ़ नहीं आ सकती, देखना चाहोगे? अब इस गंदे नाले में बाढ़ नहीं आ सकती। स्पार्टकस भी ऐसा ही एक गुलाम था, ऐसा ही एक कुत्ता जो सारी जिंदगी मार खाता रहा। ये क्या कर रहे हो? ये कुत्ता भी कहीं स्पार्टकस ना बन जाए कौन कह सकता है? ये क्या बकवास है? सेनापति क्रासोस, आपका क्या ख्याल है? स्पार्टकस टुकड़े टुकड़े हो गया 4 साल लड़ने के बाद। टुकड़े टुकड़े तो हो गया ना? रोम की 3/4 सेना बर्बाद कर गया। स्पार्टकस टुकड़े टुकड़े हो गया, और अगर फिर पैदा हुआ तो फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सेनापति क्रासोस, क्या आप स्पार्टकस जानते थे? कभी मिले तो नहीं, लेकिन लगता है मैं उसे जानता था। आप उसे कैसे जानते थे? पता किया था जो लोग उसे जानते थे या फिर उसे लड़े। पर आप उसे जानना क्यों चाहते थे? क्योंकि दुश्मन को बिना जाने खत्म नहीं किया जा सकता। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत खूब कह रहा हूं, बहुत खूब। हाँ, बहुत खूब, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहना चाहूंगा। स्पार्टकस एक गंदे नाले का गंदा कीड़ा था जो उस गंदे नाले में ही बह गया। मैं भी चलता हूं। क्यों, नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, पर कुछ लिखना है। ऐसा भी क्या लिखना है? गंदे नाले का इतिहास। मजहबी किताबों में नर्क का बयान किया गया है, लेकिन नर्क उसे लिखने से पहले भी था, शायद आज भी है, क्योंकि नर्क का बयान सिर्फ वही कर सकता है जिसने नर्क बनाया। थीबू शहर से नील नदी के किनारे किनारे चलो, नर्क वही से शुरू होता। हरियाली देखने को नहीं मिलती, ना मिट्टी ना पत्थर, सिर्फ रेत। उसके बाद दक्षिण नुबिया के रेगिस्तान में जाओ, वहां भी कांटों का एक पेड़ तक दिखाई नहीं देता, दिखाई देती है तो सिर्फ रेत, पैरों के नीचे रेत, सर पे रेत, आंखों पे रेत, नाक पे रेत, मुंह पे रेत, सिर्फ रेत। रेत की तपन की वजह से गर्मी जो शरीर को जला देती है, झुलसा देती। हम फिर भी चलते हैं और ये सफर भी खत्म होता है इस नर्क। गरम करके सख्त कर देती है, हम फिर भी हैं। फिर दूर दिखाई देती है काले पत्थर पर एक बारीक सी लकीर, सोना इसी लकीर में। ये सोना यहां से निकाल रोम भेजा जाए, पर
तकरीबन 2 साल अपनी जिंदगी के 2 साल निभाने ये लोग आज यहां आ पहुंचे हैं। बस इतनी सी बात। हाँ इतनी सी बात। मैं तुम
समझा नहीं। तुम कुछ समझे नहीं? ये छोटी सी बात को एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। जब वो पैदा रहता है तो उसे जीने के लिए, जब तक कि उसे मौत न आ जाए। मगर हम जीते हैं अपने ही दोस्त का खून करने के लिए। फिर भी हमें जीना पड़ता है दिलावर। नहीं, हमें जीना पड़ता है दिलावर। नहीं, हमें जीना पड़ता है दिलावर। Oh, Spartacus!
40 गुलाम औरतें, रोम की फौज का निजाम और सबसे बड़ी कमजोरी स्पार्टकस ने इस बात को समझा, उसे समझना ही पड़ा। दूर तक फैल जाओ, दूर तक उन्हें घेर लो, पत्थर मारो पत्थर, और आज से हम आजाद मुक्त साथी हैं। आजाद है मुक्त है साथी है, आजाद है मुक्त है साथी है। पर हाँ, ये जंग यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती। अब जो भी हमें रास्ता दिखाए वो सामने ले। स्पार्टकस, 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 स्पार्टकस। अब हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? एक गांव से दूसरे गांव, एक खेत से दूसरे खेत, हम जहां भी जाएंगे गुलामों से कहेंगे कि हमारे साथ लाओ। हाँ, फौज आएगी तो हम लाएंगे, और हथियार हम छीन लेंगे, बनाएंगे, फिर रोम हमारे साथ जंग छेड़ेगा, फिर हम रोम के साथ जंग छेड़ेंगे। ये कहना
में जो के साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर रात की तैयारियां शुरू हो गई। यह बहुत ही वहां से खाना और नहीं पकाया गया। सत्ती कंपनी की वजह से हमने मैदान में ही तुम लोगों ने गलाबंदी नहीं की। कोई खाई कोई बात सेना बिना किलाबंदी किए बिना कभी रात नहीं गुजारती। क्या तुम्हें यह नहीं पता था? सब बहुत थके हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर रात हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तुम्हारी नींद कैसे खुली? मेरी नींद एक चीख से खुली। चमका चमका तो देखा चार बच्ची के मर रही है और मैं अपना चेहरा है चार तरफ गुलाबी गुलाब अपने और पराए खून में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। कभी मेरा हाथ एक गर्म की और पराए चीज पर पड़ा। जब देखा तो हमारे सरपति कार्य इसकी कर देती बिना थक के। मैं डर गया आधे भूख तीर से मर गए। जो बचे वो भी मर गए। मर गए इसके बाद मैं अपने होश में आ गया। Thank you.
स्पार्टकस और उसके साथियों को जंजीरों पे और सलीमों में लटका दिया गया। जो गुलाम बचे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और वरीनिया, वरीनिया आज भी रोम के शाही महलों में कैद। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहूं तो तुम्हें दलालों में बेच सकता हूं और तुम्हारे बच्चे को कहीं और। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं वरीनिया, पूरे रोम में मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं। मैं चाहूं तो अपनी पसंद की कोई भी औरत खरीद सकता हूं। जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूं। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करो। जितना दिया था मैंने उसको कई ज्यादा दिया है और ज्यादा भी देंगे। स्पार्टकस ने मुझे जिंदगी दी थी। कौन था स्पार्टकस? खुदा? नहीं, स्पार्टकस समाज का दुश्मन था। रोम की खूबसूरत और बेहतरीन चीजों को बर्बाद करना चाहता था। रोम ने सारी दुनिया को तहजीब दी, अमन दिया, लेकिन स्पार्टकस, स्पार्टकस ने 4 साल रोम का सामना करके क्या दिया? बस दुख, तकलीफ और मौत। नहीं, स्पार्टकस को भूल जा। नहीं, नहीं, नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? आजादी। आजादी? किस बात की आजादी? खेती करने की आजादी? खून टूटने की आजादी? मुझे समझाओ वरीनिया, मुझे समझाओ।
आजा बुल्ला रोल 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 भाई दिनार आ गए हो गया पूरा अभी भी चल रहा है बस अगर जब तक नहीं बोल देंगे।